और अब हम आपको भारत के हथियारों वाले सुपरमार्केट में लेकर चलेंगे और इसके लिए आपको हमारे साथ चेन्नई चलना होगा। जी न्यूज की टीम इस समय चेन्नई में है क्योंकि वहां डिफेंस एक्सपो 2018 की शुरुआत हुई है। आप इसे हथियारों का सबसे बड़ा बाजार या प्रदर्शनी भी कह सकते हैं और इस बार इस प्रदर्शनी का थीम है इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। 14 अप्रैल तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में भारत की स्वदेशी ताकत दिखाई देगी। इस बार दुनिया को यह बताने की कोशिश की गई है कि रक्षा के क्षेत्र में जो निर्माण भारत में हो रहे हैं उनकी क्षमता दुनिया के किसी भी दूसरे देश के मुकाबले कम नहीं है। हालांकि ये भी एक विरोधाभास है कि हमारे सिस्टम को देश के सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीदने में ही 9 साल लग जाते हैं। भारत के पास जो भी सैन्य शक्ति है वो दूसरे देशों के हथियारों पर निर्भर है और ये बात हम सभी जानते हैं कि सैन्य शक्ति के मामले में आत्मनिर्भर बने बिना हम ताकतवर देशों की श्रेणी में नहीं आ सकते। ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार के इवेंट्स का महत्व काफी बढ़ जाता है क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में जो रिसर्च और इनोवेशंस कई वर्ष पहले हो जाने चाहिए थे उन्होंने देर से ही सही लेकिन अब थोड़ी रफ्तार पकड़ी है। इसलिए आज आपको भारत के हथियारों वाले सुपरमार्केट के बारे में विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले इस एग्जीबिशन से जुड़ी कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दीजिए। इस बार इस प्रदर्शनी के लिए 700 से ज्यादा कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है जिसमें 500 से ज्यादा भारतीय कंपनियां और 150 से ज्यादा विदेशी कंपनियां शामिल हैं। इस प्रदर्शनी में अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, स्वीडन और फिनलैंड सहित 47 देशों की 163 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। चेन्नई में जिस जगह पर यह प्रदर्शनी चल रही है वो करीब 2,90,000 स्क्वायर फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि ये भारत में अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस प्रदर्शनी है। भारत की शक्ति देखने के लिए कम से कम 47 देशों के प्रतिनिधि चेन्नई में हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा 13 देशों के मंत्री स्तर के प्रतिनिधि भी इस प्रदर्शनी में आए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया रक्षा क्षेत्र में भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखने लगी है। भारत में डिफेंस एग्जीबिशन का कॉन्सेप्ट 1998 में आया था। इसका मकसद था भारत में बनाए गए रक्षा उपकरणों के निर्यात की संभावनाओं को तलाशना और उनका प्रचार करना। फिर 1999 में भारत में पहली बार डिफेंस एक्सपो लगाई गई और तब से लेकर अब तक भारत में ऐसी 9 प्रदर्शनियां लगाई जा चुकी हैं। वैसे दुनिया के अन्य देशों में डिफेंस एग्जीबिशंस का चलन दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत तेजी से बढ़ा था लेकिन इसे भारत आते आते काफी समय लग गया। दुनिया भर में हर साल कम से कम 37 डिफेंस एग्जीबिशंस लगती हैं अलग अलग देशों में और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि पूरी दुनिया में डिफेंस का यानी रक्षा का कारोबार सबसे बड़ा है। हर देश सुरक्षित रहना चाहता है, हर देश को हथियार चाहिए, इसलिए ये एक बड़ा बाजार है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया की डिफेंस इंडस्ट्री 130 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि भारत बड़ी मात्रा में हथियारों का आयात करने वाला देश है यानी हथियारों का बहुत बड़ा खरीददार है और इसलिए ऐसी प्रदर्शनियों में विदेशी कंपनियां अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स का प्रदर्शन करती हैं, हथियारों का प्रदर्शन करती हैं ताकि ग्राहक को हथियार पसंद आ जाए तो मोल भाव भी किया जा सके। लेकिन धीरे धीरे ही सही ये स्थिति अब बदल रही है। अब भारत में बनने वाले हथियारों, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और तेजस जैसे फाइटर जेट्स को खरीदने वाले विदेशी ग्राहक मिल रहे हैं। भारत के विदेशी ग्राहकों में वियतनाम, मॉरिशस, बांग्लादेश, ओमान और अफगानिस्तान जैसे देश हैं। वर्ष 2014 और 2015 में भारत ने 1,940 करोड़ रुपए के हथियार बेचे थे। 2016 में यह आंकड़ा 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था और एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2019 तक भारत 13,000 करोड़ रुपए के हथियार बेच सकता है। हालांकि ये जो अमाउंट है ये बहुत छोटी है। ये बदलती हुई सोच है जिसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है और आज से पहले तक भारत में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं के बारे में कहा जाता था कि उन्हें हिलाना डुलाना आसान नहीं है और वहां होने वाला हर काम कछुए की चाल से होता है। लेकिन आज की तस्वीर यही है कि भारत न सिर्फ रक्षा उपकरणों का निर्माण कर रहा है बल्कि अब हम एक ऐसा देश बनने की कोशिश कर रहे हैं जो दूसरे देशों को अपने हथियार और टेक्नोलॉजी बेचेगा।
स्ट्रेटेजिक इंपरेटिव टू मेक इन इंडिया, टू मेक फॉर इंडिया एंड टू सप्लाई टू द वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया इज स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर। India had believed in using strength to protect the highest ideals of humanity. Missile technique ke mamle mein Bharat ki kamyabiyan bahut zabardast rahi hain aur BrahMos un kamyabiyon mein bhi sabse kamyab udaan rahi hai. Tino senaon ke paas duniya ki sabse behtareen सबसे अच्छी मिसाइल है। अगर आप ये सोचते हैं कि भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए ज्यादातर हथियार विदेशों से खरीदता है तो आपकी धारणा बहुत जल्द बदलने वाली है। ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इनटू एक्शन। ये चेन्नई में शुरू हुए डिफेंस एक्सपो की तस्वीरें हैं। आप इसे एक प्रकार का मेला भी कह सकते हैं जहां देश और दुनिया की 700 से ज्यादा कंपनियां आई हुई हैं, लेकिन इस प्रदर्शनी में आपको भारत पर गर्व करने का मौका ज्यादा मिलेगा क्योंकि धीरे धीरे अब भारत हथियारों और तकनीक के खरीदार से निर्माता बनने की तरफ बढ़ रहा है। और भारत का मकसद दुनिया में खरीदार के तौर पर नहीं बल्कि हथियार और तकनीक बेचने वाले देश के तौर पर खुद को स्थापित करने का है। श्री नरेंद्र मोदी जी, सबसे पहले BrahMos की बात करते हैं। BrahMos जमीन, पानी और हवा तीनों जगह से हमला कर सकती है और इसका निशाना इतना अचूक होता है कि ये 300 किलोमीटर की दूरी से भी बिल्कुल पिन पॉइंट पर टारगेट को तबाह कर देती है और ये अपने निशाने से 1 मीटर की दूरी पर ही गिरती है। और अब भारत के इस आजमाए हुए हथियार में दुनिया के दूसरे देशों की भी दिलचस्पी बढ़ रही है। BrahMos एक ऐसी मिसाइल है जिसे भारत और रूस ने मिलकर डेवलप किया और अब ये तीनों प्लेटफॉर्म्स यानी जमीन से, समंदर से और आसमान से यानी सुखोई 30 के साथ भी ये छोड़ी जा सकती है। एक आम आदमी अगर जानना चाहे कि ये जो BrahMos है, ब्रह्मास्त्र जिसको कह रहे हैं, ये कितना ज्यादा दुश्मन को किस तरह से जवाब दे सकती है, खासतौर पर सुखोई में इंडक्ट होने के बाद क्या ये दुश्मन के इलाके में, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अगर कोई टेररिस्ट कैंप है जो वहां से टेरर अटैक्स लॉन्च कर रहा है भारत के ऊपर, कश्मीर के ऊपर या दिल्ली के ऊपर, उसको मारने में ये जो एयर लॉन्च BrahMos से कितनी कारगर हो सकती है। BrahMos मिसाइल एक आक्रामक शस्त्र है और BrahMos मिसाइल का उपयोग किसी भी युद्ध में पहले 2 घंटों के अंदर कर लिया जाएगा जिससे दुश्मन की कैपेबिलिटीज खत्म हो सकें। तो ये मतलब ऐसा प्लान किया जाता है, ऐसी जब हम भी स्कीम करते हैं, वॉर गेमिंग करते हैं तो इस तरीके की वॉर गेमिंग की जाती है कि सबसे पहले आप दुश्मन की जो मेन कैपेबिलिटीज हैं उनको खत्म कर दीजिए, जैसा कि पिछले कई युद्धों में हुआ है दुनिया के अन्य देशों में। और तो उस तरीके के ही समान इस ब्रह्मोस्त्र को भी उपयोग में लाया जाएगा। आपको मैंने पहले बताया कि एक आक्रामक शस्त्र है, आक्रामक शस्त्र आप सबसे पहले यूज करते हैं, सबसे पहले उपयोग करते हैं। कितना अचूक हो सकता है इसका वार कि जैसे कि किसी जंगल में अगर कोई आतंकवादियों का कैंप है उस पर क्या ये हमला कर सकती है बिल्कुल सटीक? देखिए, हमने जितने भी आज तक प्रयोग किए हैं तो उसमें हम 1 मीटर की एक्यूरेसी से अटैक कर पाए हैं। तो अब ये तो जो हमारी सेनाएं हैं उन पर निर्भर करता है कि वो इन शस्त्रों का किस तरीके से उपयोग करती हैं। मैं आपको बस इतना कह सकता हूं कि BrahMos एरोस्पेस पूर्ण तरीके से सक्षम है नंबर्स देने में। हम बड़ी आसानी से जो हमारी सप्लाई चेन है, जो हमारे वेंडर्स हैं जो हमको सप्लाई करते हैं, वो बिल्कुल सक्षम है कि हम अपने नंबर्स बढ़ा सकें। और ये तो भारत सरकार की नीतियों पर निर्भर करेगा कि किन देशों को ये दे सकते हैं, लेकिन मैं बस इतना आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल तैयार हैं, हम इसका उत्पादन कर सकते हैं जितनी भी जरूरत होगी और भारत सरकार जिसको चाहे वो दे सकती है। ये भारतीय सेना में शामिल होने वाली नई आर्टिलरी K9 वज्र है और इसकी क्या खूबियां हैं अब ये भी देख लीजिए। वो बेहद घातक हथियार जो भारतीय सेना को मिलने वाला है ये है K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड तोप, यानी वो तोप
जो अपनी ही ताकत से चलेगी, मैदान जंग में तेजी से आगे बढ़ सकेगी, उसको किसी गाड़ी से खींच कर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 155 mm कैलिबर की ये गन है और ये 30 से 40 किलोमीटर दूर तक हर किस्म के गोले दाग सकती है। ये रेंज अलग अलग गोलों की जो खसूसियात होती है, जो विशेषताएं होती हैं, उनके हिसाब से आगे पीछे होती है। और ये जो इसका ट्रैक है, इसकी वजह से ये किसी टैंक की तरह बहुत तेजी से हर किस्म के टेरेन में अपने आप चल सकती है और इसकी स्पीड 50 किलोमीटर के आसपास होगी। और इसको आप देख सकते हैं कि किसी आर्मर्ड की तरह, किसी टैंक की तरह इसको आर्मर्ड से ढका गया, और इसलिए इसमें बैठे हुए जो क्रू हैं वो आर्टिलरी फायर के जो शेल्स आएंगे उनसे और दूसरे हथियारों के हमलों से बचे रहेंगे। इसके अंदर क्रू बैठेगा और उसके बाद वो फायर करेगा, निशाना अचूक होगा। 155 mm की ये गन है, 40 किलोमीटर तक ये निशाना लगाएगी, 40 किलोमीटर तक ये फायर करेगी। डिफेंस एक्सपो में भारतीय सेना की अच्छी तोपों की कमी वाली परेशानी के कई स्वदेशी इलाज मिल गए हैं और उन्हीं में से एक है 155 mm एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। यह है भारतीय सेना के शस्त्रागार में आने वाला एक और जबरदस्त हथियार, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, जिसे ए टैग्स भी कहते हैं। और इसके बारे में जो बात कहने में सबसे ज्यादा खुशी होती है वो ये है कि ये स्वदेशी है। ये 155 mm कैलिबर की गन है, यानी इसका भी जो कैलिबर है वो बोफोर्स के बराबर है। दरअसल 2013 में भारतीय सेना की तोपों की जरूरत को पूरा करने के लिए डीआरडीओ ने इसे विकसित करना शुरू किया। 2016 में ए टैग्स ने अपना पहला राउंड फायर किया और 2017 में 42 किलोमीटर तक फायर कर इसने अपनी कैटेगरी में एक रिकॉर्ड बना दिया। ए टैग्स 155 mm की गन है, 40 किलोमीटर तक इसकी जो मार है वो बहुत इफेक्टिव है, लेकिन ये कुछ खास एम्यूनिशन के साथ 48 किलोमीटर तक फायर कर सकती है। इसमें 6 से 8 आदमियों का क्रू होता है जो कि इसे चलाता है। ये 15 सेकंड में 3 राउंड फायर कर सकती है, 3 मिनट में 15 राउंड फायर कर सकती है, और लगातार अगर फायर करना हो, सस्टेन फायर करना हो, तब भी ये 1 घंटे में 30 राउंड तक फायर कर सकती है। इसकी मोबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। दरअसल किसी भी तोप को फायर करने के बाद अपनी जगह से हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दुश्मन के पास गन लोकेटिंग रडार्स होते हैं और वो फौरन जवाबी हमला करते हैं। इसलिए गन्स को फायर करने के बाद अपनी जगह छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी मोबिलिटी बहुत अच्छी है, इसको दूसरे किसी भी गाड़ी में टो करके आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। कुछ दिनों पहले हमने भारतीय सेना को मिलने वाले 186,000 से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट्स का विश्लेषण किया था, वो कैसा होगा आज ये भी देख लीजिए। तो भारतीय सैनिकों को जो नई बुलेट प्रूफ जैकेट मिलेगी, जो नया कवच मिलेगा, वो कुछ इस तरह का होगा। ये है वो एक नई जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट जो भारतीय सैनिकों को मिलेगी। आमतौर पर जो बुलेट प्रूफ जैकेट अभी तक भारतीय सैनिक इस्तेमाल करते हैं उनमें एक प्लेट सामने होती है और एक प्लेट पीछे होती है, लेकिन बहुत सारा शरीर का हिस्सा एक्सपोज होता है गोलियों के लिए। इस नई जैकेट में एक सबसे बड़ी चीज जो ऐड की गई है वो ये है थ्रोट, और यहाँ किसी हेलमेट यहाँ तक आता है, लेकिन यहाँ से गर्दन से सीने तक का हिस्सा पूरा खुला रहता है। अब यहाँ पर भी एक गार्ड है, यहाँ दोनों साइड, ये भी एक बहुत वल्नरेबल एरिया होते थे, यहाँ भी दो छोटी छोटी प्लेट्स हैं, और ग्रोइन का एरिया यहाँ, यहाँ पर भी सुरक्षा दी गई है। उसके अलावा इस जैकेट में एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया, खास मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। आशीष, क्या है वो खास मटेरियल? देखिए, इस जैकेट में हम लोगों ने बोरॉन कार्बाइड मटेरियल का इस्तेमाल किया है, जो कि एक बहुत ही हार्ड अपने ही किस्म का मटेरियल है, इन सबसे हल्के वजन में प्रोटेक्शन देने वाला मटेरियल है। अभी तक जो भारतीय सेना इस्तेमाल करती है बुलेट प्रूफ जैकेट, उनमें कौन सा मटेरियल? उनमें हाई परफॉर्मेंस पॉलीएथिलीन का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि AK-47 की हार्ड स्टील कोर की गोली या 5.56 इंसास की गोली रोकने में सक्षम नहीं था। ये जो मटेरियल है, इस हार्ड होने की वजह से हार्ड स्टील कोर की गोली या 5.56 की गोली भी आकर इस जैकेट में रुकने में सक्षम रहेगी। और इस मटेरियल को हम दुनिया में 5 कंपनियों में से एक कंपनी है जो पूरी दुनिया में बना रही है इस मटेरियल को। ये एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बन रहा है और बाहर हमारे यहाँ से, हमारी फैक्ट्री से, ये दुनिया के कई देशों जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इन सभी एडवांस देशों में इसकी सप्लाई की जा रही है, इंक्लूडिंग इसराइल। इस बार का डिफेंस एक्सपो भारत की कई रक्षा प्रणालियों और उसके उपकरणों के निर्माण
जिसमें सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए निर्माण और निर्यात की क्षमता पर केंद्रित है। और मकसद सिर्फ एक है, हथियारों के आयात करने वाले से निर्यात करने वाले तक का सफर तय करना। भारत हथियारों के आयातक से, इम्पोर्टर से, अब धीरे धीरे मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर की तरफ बढ़ रहा है। शिप बिल्डिंग में भारत की काबिलियत इस समय क्या है? आपने कहा कि हम कैसे निर्यातक की तरफ बढ़ रहे हैं। आज की तारीख में इंडियन नेवी की 33 शिप बन रही हैं और वो सारी की सारी शिपयार्ड्स इंडियन शिपयार्ड्स ही बना रहे हैं। पहली चीज तो इट विल टेल यू दैट कि किस लेवल पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। दूसरी तरफ हमारा 4 साल पहले एक्सपोर्ट का टर्नओवर 0 करोड़ था, आज की तारीख में 600 करोड़ का टर्नओवर है 4 साल में। सिर्फ शिप्स का। लास्ट ईयर 400 करोड़ था, लास्ट ईयर भी 40% हमारा जो रेवेन्यू था वो हमें एक्सपोर्ट से मिला था, इस बार भी 40% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से मिलेगा। तारीफ ये है कि सारे के सारे प्रोजेक्ट 2014 में साइन हुए, स्टार्ट हुए और आज हमने सारे प्रोजेक्ट कंक्लूड कर दिए हैं, डिलीवर कर दिए हैं। हम जो भी नया शिप है उसमें नए नए इक्विपमेंट बना रहे हैं। आज हमने MTU के साथ में एक बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें हम 9 मेगावाट 10 मेगावाट के इंजन इंडिजिनसली पहली बार इंडिया में बनाएंगे। लोग पूछते हैं मेक इन इंडिया में क्या हो रहा है, पहली बार MTU ने वर्ल्ड में ये लाइसेंस इस एडवांस इंजन के लिए दिया है, आप इस चीज से रियलाइज कीजिए। ये ऐसे हथियार हैं जो भविष्य में न सिर्फ भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को नई दिशा देने का काम करेंगे बल्कि दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास भी दिलाएंगे। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, चेन्नई।